किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में माता रानी की कृपा के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ बेहद लाभकारी परिणाम देने वाला होता है। व्यक्ति अपने जीवन में दुर्गा चालीसा पाठ से अपनी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर कर सकता है। इस पाठ को किस तरह से करना चाहिए, किस दिन से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, किस समय अवधि में इसे करना चाहिए और इस पाठ से क्या क्या लाभ होते हैं, इन सब पर हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि दुर्गा चालीसा का पाठ व्यक्ति के जीवन में समस्त प्रकार की परेशानियों को दूर कर सकता है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम हम इस पाठ के लाभ के बारे में जान लेते हैं। सर्वशक्तिशाली माता दुर्गा की पूजा आराधना लोग विशेष रूप से अपने सभी दुखों से मुक्ति पाने और जीवन के हर क्षेत्र में माता का आशीर्वाद पाने के लिए करते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ आपको अनेक लाभ देता है। नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ जो भी व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है, व्यक्ति को मानसिक तनाव व चिंता से मुक्ति मिल जाती है। नियमित दुर्गा चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। उस व्यक्ति के चाहे कितने भी शत्रु हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। साथ ही उस व्यक्ति के परिवार के ऊपर शत्रु पक्ष का प्रभाव कम हो जाता है। दुर्गा चालीसा के पाठ से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और सभी प्रकार के कार्यों में उस व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। दुर्गा चालीसा के पाठ से व्यक्ति को अपने जीवन में सभी बुरी शक्तियों से निजात मिल जाती है, साथ ही उसके परिवार का भी बुरी शक्तियों से बचाव होता है। व्यक्ति को आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए भी दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इस पाठ से व्यक्ति को धन लाभ प्राप्त होता है। जीवन में आने वाले दुखों से लड़ने की शक्ति इस पाठ से प्राप्त हो जाती है। ऐसा मान्यता है कि दुर्गा चालीसा के नियमित पाठ से व्यक्ति को उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाता है और जीवन में संपत्ति को प्राप्त करता है। यदि आपका मन किसी बात को लेकर निराश है तो इस चालीसा के नियमित पाठ से आपके मन की निराशा भी दूर हो जाएगी। आप इसे आजमा कर देख सकते हैं। दुर्गा चालीसा के नियमित पाठ से व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर समान रूप से नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन इस पाठ को करने की भी एक सही विधि है। इस विधि से अगर आप इस पाठ को करते हैं तो आपको जीवन की समस्त समस्याएं या आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उस मनोकामना की और उस समस्या का निदान इस पाठ से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वह जो विधि है दुर्गा चालीसा का पाठ, ज्यादातर लोग अपनी क्षमता और अपनी श्रद्धा के अनुसार ही करते हैं, लेकिन अगर दुर्गा चालीसा का जाप नियमित रूप से किया जाए तो माता दुर्गा का खास आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस पाठ को करने के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ शुक्रवार के दिन से शुरू करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ कभी भी सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद आपको साफ वस्त्र धारण करने के बाद ही इस पाठ को करना चाहिए। अपने पूजा स्थल पर लकड़ी की चौकी पर लाल आसन बिछाकर उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। इस पाठ को शुरू करने से पहले आपको इसके निमित्त एक संकल्प लेना होगा, जिसमें आप किस निमित्त आप इसे करने जा रहे हैं, आपको अपनी कौन सी मनोकामना की पूर्ति करनी है या किस परेशानी से आप निजात चाहते हैं। उसके लिए आपको तिथि, वार, नक्षत्र, अपना नाम, गोत्र और राशि का उच्चारण करते हुए इसके लिए एक संकल्प लेना होगा और माता दुर्गा को फूल, रोली, धूप आदि चीजों से माता दुर्गा की पूजा करनी है। अगर हो सके तो पूजा के दौरान दुर्गा यंत्र को भी आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। यह लाभकारी और चमत्कारिक परिणाम देता है। इसके बाद आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से इस पाठ को संकल्प के साथ करते हैं तो आपको निश्चित ही इसके परिणाम बहुत जल्द दिखाई देते हैं। इस पाठ की उत्पत्ति कैसे हुई यह भी हमें जानना बहुत आवश्यक है। महिषासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए देवताओं ने अपनी शक्तियों से एक आदिशक्ति को जन्म दिया, जिसे आज सर्वशक्तिशाली
माता दुर्गा के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा ने महादुराचारी दैत्य महिषासुर का वध कर देवताओं को उसके चंगुल से बचाया था और उन्हें स्वर्ग लोक वापस दिलाने में मदद की थी। दुर्गा चालीसा की रचना देवीदास जी ने की थी, जिसके संदर्भ में यह माना जाता है कि वह माता दुर्गा के बहुत बड़े उपासक थी। उन्होंने दुर्गा चालीसा में माता दुर्गा के सभी रूपों की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया। पुराणों के अनुसार माँ दुर्गा को संसार का संचालक बताया गया है, क्योंकि उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण विद्यमान है। तो इस तरह से इस दुर्गा चालीसा की उत्पत्ति हुई थी। तो यह दुर्गा चालीसा के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।